विधायक जी, या किसान का मुद्दा 1.5 महीने से लगभग चल रहा है, अभी कोई इसका हल नहीं निकल पाया है, क्या कहेंगे इस मैटर पर? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों और युवा नौजवानों घेरा डालो का आह्वान किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा नौजवान साथी आज घेरा इस भाजपा जालिम सरकार के खिलाफ आज घेरा डाला है, आज घेरने का काम किया है। आज इस सरकार में किसान विरोधी सरकार है। सरकार किसानों का हमदर्द है, किसानों की हमदर्दी चाहता है, तो किसान जो चाह रहा है तो यह भाजपा सरकार क्यों नहीं जाना उसे किसानों की बात मान रही है? इसलिए नहीं मान रही है कि किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, ये गरीबी विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। आज छात्रों का चुनाव कैंसिल कर दिया, आज का छात्रों के ऊपर नाजायज ढंग से मुकदमा कराया जा रहा है, आज का ना कि अवैध ढंग से गरीबों का मकान ढहाया जा रहा है। ये सरकार, भाजपा सरकार, ये नौजवान, गरीब, व्यापारी, किसान, ये विरोधी सरकार। विधायक जी, जैसे कि कानून में है एक देश एक बाजार, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है किसानों को? किसानों की ये दिक्कत हो रही है कि पैदा मैं करूंगा और उद्योगपति अंबानी अडवाणी जैसे लोग मेरे पैदा किए हुए मेरे का ना खाद्यान्न का रेट वो तय करेंगे। इसलिए किसान इस बात पे अड़ा हुआ है, पैदा मैं करूंगा तो मैं ही दाम लगाऊंगा। अगर वह किसान की हमदर्द सरकार है तो किसान जो चाहता है वो क्यों नहीं कर देती? दूसरे बिल में है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट रूप में अगर बोने से पहले अगर सबका निश्चित हो जा रहा फसल के दाम, तो किसानों के इसमें मैटर क्या दिक्कत हो रही है, समस्या? मेरा हक छीन लिया है, ये है कि मेरा हक छीना जा रहा है, इसलिए मेरा कहना कि विरोध कर रही है सरकार। और आज का मुद्दा ये है, पूरे उत्तर प्रदेश में आज का मुद्दा ये है कि युवा घेरा कार्यक्रम, नौजवानों, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज आदेश है। पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में और नौजवान साथी देख रहे हो भाई, मीडिया के साथी आप हो और नौजवान साथी, आज का ना कि बेरोजगार पड़ा हुआ है, कानून नाम का कोई चीजें नहीं है, कानून जंगल राज हो गया है, बहन बेटियों की इज्जत बचना दुर्बल हो गई। जैसे वर्तमान सरकार कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो विपक्षी पार्टियां से गुमराह कर रहे हैं किसानों को, साजिश कर रही है, तो क्या कहेंगे उस पार्टी को? ये है भाजपा सरकार गलत बोल रही है, ये अपने स्वार्थ में बोल रही है, ये कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। कह रहे कि पंजाब हरियाणा के बस किसान है और बाकी अन्य राज्य का नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी किसानों को मैटर के लेके गांव-गांव में का ना चौपाल लगाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मन सिंह ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, पूरे 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 हर जगह किसान विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं सारे लोग कर रहे हैं? और नोएडा, गाजियाबाद से लेके मुरादाबाद से लेके सारे मेरठ से लेके कहना हर जगह, आजमगढ़ से लेके कहना बुलंदशहर से लेके हर जगह सारे जगह कहना विरोध हो रहा। नहीं, आप रैली करते हो बंगाल में तो भीड़ इतनी होती है।